इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बोधघाट थाना की है, जहां की एक गरीब अबला नारी थाने की चक्कर काट काट कर परेशान हो गई। आखिरकार मीडिया का सहारा लेकर बोधघाट थाने का किया खुलासा। 2 महीने से चक्कर काट रही महिला ने उच्च अधिकारियों का खटखटाई दरवाजा। आरोपी फुलचंद सारथी को जल्द गिरफ्तार करने का अधिकारी ने दिया भरोसा। न्यूज प्राइम 24 ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, परिचय बता दो पहले। अंजलि साधु। कहाँ रहते हैं आप? संतोषी वाड़े। क्या हुआ आप लोग के साथ? हमारे साथ मारपीट हुआ है। कौन किए हैं? फुलचंद साधु। कहाँ रहते हैं वो? बेटा अमीर चंद। कहाँ रहते हैं वो? वो पास में ही रहते हैं। अच्छा, क्यों मारपीट किए थे उन लोग? ये उन लोग क्या इधर गाली गलौज चिल्ला रहे थे और मेरी बेटी यहाँ पढ़ाई कर रही थी, तो बोली यहाँ गाली गलौज मत करो, मत चिल्लाओ, गाली उली मत दो, तो लड़की को आके डंडा मार, तो मैं उठाने गई तो मेरे को भी सिर में डंडा मार। अच्छा, इसका FIR कराए थे आप लोग संबंधित थाना में? कराए थे। तो क्या हुआ फिर? वहाँ रोज आ रहे हैं, बोलते हैं कि आज होगा कल होगा, चिंता मत करो, हो जाएगा, बस यही बात बोल रहे हैं। लगभग कितने दिन हो गए FIR किए? 2-2.5 महीने का एक प्रकरण है जो 2.5 महीना पहले FIR हुआ था मारपीट के मामले में, उसमें क्या कार्रवाई हुई अब तक? बेसिकली मामला था बोधघाट स्थित संतोषी नगर वार्ड का है, जहाँ 22 फरवरी को जो है इस मामले की जो पीड़िता है अंजलि साधु, उसे जो है इस मामले के जो आरोपी हैं अमित सारथी और एक अन्य के द्वारा जो है मारपीट किया गया था, गाड़ी को गिरफ्तार करके जो है, और इस संबंध में पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में अपराध दर्ज किया गया है। धारा 294/6, 323, धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।